29 देखिए, यहाँ पे देखो वही दो से भाग करते हैं और दो से गुना करते हैं, क्योंकि 2 sin² x को पहले हटाना है, तो हटाने के लिए ये कर दिए 1/2। 2 sin² x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 - cos 2x, और इंटू में cos 2x पहले से है, इंटू करो तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और फिर माइनस का cos²2x, ठीक है dx। अब यहाँ भी फिर आप तो अंदर दो से भाग दो से गुना करोगे, 1/2 यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस 1/2 और इंटू में 2 cos²2x, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस 1/2 2 cos²x का हो जाएगा 1 + cos 2x, यानी कि 4x हो जाएगा, समझ गया ना। अब फॉर्मूला पढ़ो ना, 2 cos² x बराबर में 1 + cos 2x, जो एंगल होगा उसका डबल कर देंगे, हाँ यहाँ 2x है तो यहाँ 4x कर दिया। चलिए, यानी कि अब यहाँ आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 cos 4x dx, ये ना। अब सिंपल अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं। चलिए देखिए, 1/2 यहाँ पे क्या जाएगा, cos का sin 2x बट्टा में 2, ठीक है अच्छा, और माइनस का 1/2 x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस का 1/2 cos का sin 4x और बट्टा में 4 प्लस सी। एक काम करो ना, सब में 1/2 है, 1/2 बाहर निकालो तो 1/4 हो जाएगा, अंदर आ जाएगा आपका sin 2x माइनस में x और माइनस का sin 4x बट्टा में 4 प्लस में सी आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए।